तो हेलो दोस्तों, मैं रहा शफ़ात हुसैन। आज मैं गांव से फिर एक और बारात में मैं जा रहा हूं, तो आपको बताता हूं ये बारात किसकी है। ये बारात हमारे राजीव चाचा मीनू चाचा को तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्हें की भाई की शादी है, उन्हीं के भाई की शादी में आज हम लोग बारात जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग तैयार वैयार होके आ चुके हैं, यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है और गाड़ी को हमारे चचा ने ऐसा गाड़ी सजवाया है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। इतना ही शानदार, इतना ही लाजवाब, लगभग 1 करोड़ का ये गाड़ी सजा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ये आपके सामने गाड़ी सजी हुई लगी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने में ये गाड़ी सजी होगी। और यहाँ पे हमारे चचा हैं और भी यहाँ पे लड़का के भाई हैं जो मेन मैनेजर हैं, इन्हीं का नाम है मीनू और ये मैनेजर हैं। अभी देखिए देखिए ये देखिए, ये चमक रहे हैं एकदम। बारात में लगभग गाड़ी, मैं अगर बता दूं आपको गिन के, तो गिन तो सकता नहीं हूँ, तो लगभग 50 गाड़ी बारात में जा रही है। तो आप ही लोग बताइए, इतना बारात ले जाना चाहिए क्या? बताइए 50 गाड़ी, और उसमें हम लोग भी जा रहे हैं। और 50 गाड़ी में कोई कोई सा भी गाड़ी, मतलब कुछ भी। यहाँ पे जावेद मियाँ एकदम तैयार हैं पूरा जाने के लिए, भोज खाने के लिए। भोज खाएँगे, मोटाएँगे। तो हमारे राजीव चाचा तैयार होकर गाड़ी में बैठे हैं, देर में बस गाड़ी वाली हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइड लिए हैं और लड़के की गाड़ी को आगे जाने दिए ताकि कुछ खूबसूरती लगे और मज़ा आए दोस्तों देखने वाले के। हाँ, पर आज जा रहा है, चलो भाई बगा लो। तो यहाँ पे हमारे लड़का के बड़े भाई और मझले भाई भी बैठे हुए हैं, साथ में जावेद भी है। हम लोग सब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, तो थोड़ा भोजपुरी मूड गाना का मज़ा लेते हैं रास्ते में। तो अब हम लोग बारात पहुंचने से कुछ ही दूर पे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी गाड़ी मेन रोड से अब गांव के अंदर जाती हुई, क्या ही मस्त नज़ारा लग रहा है। देखिए सर, ओ साकिब चा, तो आ जाइए आप भी। तो फाइनली हम लोग बारात पहुंच चुके हैं, अब यहाँ का नज़ारा देखते हैं कैसा। ओफ ओफ, क्या ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ओ भाई साहब, लगभग हम लोग 150 लोग आए हुए हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सिराज भाई आइए तुम ना। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए सब लोग टूट पड़े हैं और सब लोग अपना अपना कुर्सी लेके बैठ गए हैं। खाना का जितना इंतजार करके खाए ना, उतना ही खाना का टेस्ट बढ़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।